हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि चैम्बर हमारा लगभग कंप्लीट है और अंदर पेंटिंग का थोड़ा सा वर्क बचा हुआ था, तो वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए, हमारा पूरा भूसा आया हुआ है और ये हम 50 क्विंटल पे भी वर्क कर रहे हैं। और अभी तो इसमें पानी मिलाया जा रहा है, आज 0 डे है इसका और 2-3 दिन इसमें लग जाएगा पूरा पानी मिलाने में, पूरा भूसा गीला करने में। और गीला करते हुए इसमें सब ढेरी लगेंगी और ये हमारे किशन भाई और भाई सब अपना सहयोग कर रहे हैं इसमें पूरा। और आज हमारे प्लांट पे हमारे एक मित्र आए हैं जिनका मैंने उसमें आप लोगों को बताया था, जो मशरूम विशेषज्ञ हैं, और इन्हीं से प्रेरित हो के मैंने ये अपना काम करना शुरू किया है इसको। और आगे भी इनका सपोर्ट रहेगा और ट्रेनिंग सेंटर भी इसी पे है, तो ट्रेनिंग सेंटर का पूरा देख रेख हमारे विकास भाई कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये अभी पहला चरण है हमारा इसको भूसे को भिगोने का, और इसके बाद जो भी जैसा भी कुछ होगा आगे है, जो स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को बताते रहेंगे, पूरा वीडियो उस पर दिखाएंगे, क्या मटेरियल आया है, कैसे क्या मिक्सिंग होगी, सब कुछ आपको हम बताएंगे। और अब हम आपको मिलाते हैं हमारे मित्र से, जो कि मशरूम विशेषज्ञ हैं और आज हमारे फार्म पे आए हुए हैं। फ्रेंड्स, मिलाते हैं आपको हमारे विकास जी से। तो विकास जी, हमारे मित्र आज यहाँ पे आए हुए हैं। आए क्या हैं, इनको मैं ही घर से लेके आया हूँ इनको। ये भाई साहब कल दिल्ली गए हुए थे और आज है जो रात को लौटे हैं, तो सुबह है जो अपना हम इनको घर से ले आए हैं, क्योंकि मुझे अभी जानकारी नॉलेज नहीं है उतना इसके बारे में। तो विकास जी ही पूरा काम कर रहे हैं, पूरा देख रेख कर रहे हैं। और विकास जी, हमारा जो भी फार्म है इसका जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड है, कंपोस्ट बनाना, मटेरियल कहाँ से आना, कैसे क्या होना, कहाँ पे सेल होगा, सब कुछ ए टू जेड सारा काम विकास जी हमारे कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ एग्रो वेंचर यूट्यूब चैनल, जो यहाँ माल रोड पे है। और यहाँ पे आज बटन मशरूम का जो कंपोस्ट बनती है उसका पहला स्टेप चल रहा है। जो पहले स्टेप में हम बटन मशरूम कंपोस्ट की जो प्रोसेसिंग करते हैं, उसको अच्छे तरीके से पहले भूसा भिगोया जाता है और उसको पूरे तरीके से भिगो के ढेरी बनाई जाती है और 2 दिन तक ढेरी रहती है, उस पर बना के रखते हैं और भिगोते रहते हैं। अगर कहीं सूखता है उस पर पानी डालते रहते हैं 2 दिन तक। उसके बाद अदर प्रोसेस चलती रहती हैं, तो वो वीडियो में मिलती रहेंगी आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।